हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी केरी। सो हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो आई हैव अगेन कम विद अ न्यू स्ट्रक्चर, सो लेट्स सी टुडेस स्ट्रक्चर। ओके, सो टुडेस स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस मी माइट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ओके, नाउ लेट्स सी द साइन। साइन इज वाक्य के अंत में सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हो लगा रहे। मुझे मालूम है आप समझ गए होंगे पहचान को बहुत अच्छे से। कैसे? कि ये हमने सेंटेंस लिए बनाने के लिए, अब उसके लास्ट में हमें क्या देखना है? सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हो। ओके, तो यहाँ पे लिखा है ना लास्ट में, यहाँ पे सीधे लास्ट में लिखा है सकती है। ऐसे जितने भी सेंटेंस हमने लिया है सबके लास्ट में लिखा है। तो ऐसे सेंटेंस जिसके लास्ट में सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हैं लगा रहे, तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। अच्छा, और क्या बता रहा है? चलिए देखते हैं। ऐसे वाक्यों से कार्य की संभावना होने, संभावना का बोध होता है। ओके, तो इससे क्या समझे? इससे हम ये समझते हैं कि इस बार जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसका यूज हम तब करते हैं। वैसे तो मैंने बता दिया कि जब लास्ट में सकता हूँ, सकती हूँ रहे, लेकिन ऐसे हिंदी सेंटेंस क्या बताते हैं? संभावना, पॉसिबिलिटी। जैसे कि यहाँ पे लिया गया है, आज रात वर्षा हो सकती है। श्योर नहीं है, होगी ही होगी, ये संभावना है कि हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है होगी, पॉसिबल है लेकिन होगी, तो उसमें श्योर नहीं है कि होगी या नहीं होगी। तो ऐसे सेंटेंस में हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। चलिए, और अच्छे से समझने के लिए हमने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं, उसके हेल्प से देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर बताया गया है, उसको भी एक बार रीड कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस मे नॉट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। इन दोनों स्ट्रक्चर का यूज कब, कहाँ, कैसे करना है वो मैं आपको इसका ट्रांसलेट करते टाइम बताऊंगी। ओके, चलिए बनाते हैं। आज रात वर्षा हो सकती है, हमने तो पहले ही साइन खोज लिया था, तो चलिए पढ़ो से ट्रांसलेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट लेना है हमें, तो ले लेते हैं इट। अब मैं और माइक में से क्या लें? तो इसमें भी हम इन दोनों का ही यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, तो दोनों इनका यूज करके बनाएंगे, दोनों सही जाएगा, मतलब बिल्कुल नहीं बदलेगा। पहले मैं से बना लेते हैं इट मे, देन वर्ब, वर्ब क्या है? वर्षा होना, रेन। देन अब जो हमारा बच गया वो ऑब्जेक्ट है, और अदर वर्ड्स में आ गया, तो क्या बच गया? आज रात, तो लिख लेते हैं टुनाइट। ये आप देख सकते हैं बन गया, इसे आप माइक से भी बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। मेक को हटाकर माइक से भी बनाएंगे तो उसका भी मतलब सेम ही रहेगा। ये देखिए, हमने बना लिया इट माइट रेन टुनाइट, इट मे रेन टुनाइट। दोनों तरीके से मैंने आपको बना के दिखाया, दोनों ही तरीके सेम है, दोनों के मतलब भी सेम होते हैं। अच्छा, एक और देखते हैं। आज रात वर्षा नहीं भी हो सकती है, इसमें भी कोई जरूरी नहीं है कि नहीं ही होगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इसमें क्या संभावना बता रहे हैं कि इनकी तरफ से हमें ये लग रहा है कि नहीं भी हो सकती है। अच्छा, तो इसमें पहले हमें लास्ट में क्या खोजना है? सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हो में से कोई भी एक जो मिल जाए। अच्छा, तो देख लेते हैं लास्ट में क्या मिल रहा है। सकती है, सकती है हमें मिल गया। अच्छा, तो चलिए अब फटाफट से ट्रांसलेट कर लेते हैं। अच्छा, इन दोनों में आपने क्या चीज डिफरेंट देखी? हाँ, बिल्कुल सही, ये दोनों सेम है, बस इसमें ये नहीं भी जुड़ गया है। तो अब जहां पे नहीं भी आ गया है वहां पे हम मे नॉट वाला यूज करेंगे। ओके, चलिए बना के दिखाते हैं।
अब इस कल्चर पे दिया है मे नॉट, तो मे नॉट लिख लेते हैं। इट मे नॉट, अब बाकी सारा सेम आ जाएगा। देन टुनाइट, हम यहां से भी देख के लिख सकते हैं, इस कल्चर में से भी देख के लिख सकते हैं। देन टुनाइट, अच्छा तो दोनों में कुछ फर्क नहीं है, बस एक में नहीं लगा हुआ था और एक में नहीं भी लग गया है, तो हमने दोनों अलग अलग तरीके से बना के देख लिया, बस कुछ फर्क नहीं था, इस स्ट्रक्चर को देख के हमने ट्रांसलेट कर लिया बस। इट मे नॉट रेन टुनाइट, आज रात वर्षा नहीं भी हो सकती है। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह आज शाम लौट सकता है, ये भी पता है कि लौट सकता है, जरूर नहीं आएगा ही आएगा, लौट सकता है। अच्छा तो जैसे कि मैंने बोल के देखा तो लास्ट में ही आ गया सकता है, हमें साइन मिल गया इस स्ट्रक्चर का, तो चलिए ट्रांसलेट कर लेते हैं। सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो सब्जेक्ट है ही मे या माइट, कुछ भी ले सकते हैं, तो इस बार पहले माइट ले लेते हैं। Then verbs first form, तो यहाँ पे verb है lot, lot not, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं return, then अब हमारा जो बच गया वो आ जाएगा object और other words में, तो बच गया आज शाम, लिख लेते हैं this evening, अच्छा ये हमने बना लिया। अब हम यहाँ पे अगर नहीं भी लगा के बना होता तब कैसे बनाए थे वो देखते हैं। चलिए तो अगर यहाँ पे नहीं लगा के बना होता तो कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं, तो चलिए बनाते हैं। अच्छा अब यहाँ पे लिखा है वह आज शाम नहीं भी लौट सकता है, यहाँ पे पहले क्या बनाया था हमने, वह आज शाम लौट सकता है, इसमें हमने क्या जोड़ दिया बस नहीं भी, तो कौन सा वाला स्ट्रक्चर यूज होगा, जी हाँ मे नॉट वाला, तो चलिए ट्रांसलेट कर लेते हैं। पहले लेते हैं सब्जेक्ट, ही, देन मे नॉट, हमें स्ट्रक्चर में बताया गया है, तो लिख लेते हैं ही मे नॉट देन, आप चाहे तो नीचे वाले से भी देख के लिख सकते हैं या फिर स्ट्रक्चर को फॉलो करते भी देख के लिख सकते हैं। लौटना माय वर्ब में आ गया, रिटर्न, देन अब जो माय बच गया वो ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स में आएगा, तो क्या बच गया आज शाम, दिस इवनिंग, ये देखिए। अच्छा मैं आपको दोनों मैच करके भी दिखा देती हूँ, ही मे सब कुछ सेम है, बस मे नॉट जो है, बाकी सारा आप देख सकते हैं, रिटर्न दिस इवनिंग, रिटर्न दिस इवनिंग, सब कुछ सेम ही रहा ना। तो देखा आपने कि कैसे हमने स्ट्रक्चर और साइन की हेल्प से ये सारे कितने फटाफट से बना लिए और मजा भी बहुत आया। और इससे हमें क्या और पता चला कि इस स्ट्रक्चर से पॉसिबिलिटी यानी संभावना का हमें पता चलता है कि इस चीज की संभावना है, वी आर नॉट श्योर। ओके तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।